हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग एग्जांपल नंबर 3 बना रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, अभी तक का जो है ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। देखो तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें कि फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड, एक कोई पॉइंट है ओ ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है। मैं मान लेता हूँ ये ग्राउंड है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा क्या ओ। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है, ओ ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 630 डिग्री। तो यही ओ से जो है एंगल ऑफ द टावर, इस जो टावर है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस टावर का वो कितना है, 30 डिग्री है। इस टावर को यहाँ से इस पॉइंट के ओ से जो है ना, ग्राउंड के जो पॉइंट ओ है वहाँ से देखा जा रहा है तो ये 30 डिग्री है। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड डैट ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। और क्या बोल रहा है कि इस टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टफ है ना, एक फ्लैग लगा हुआ है टावर के ऊपर में, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसी पॉइंट से ये 60 डिग्री है। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है कि इफ़ अगर द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ इज 5 मीटर, अगर ये फ्लैग स्टफ का जो लेंथ है वो 5 मीटर है तो बताइए, तो बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये हाइट जो है इस टावर का हाइट क्या होगा ये हमें निकाल करके बताना है। तो देखो कैसे बनाएंगे, एक काम करते हैं, इस लेंथ को यानी कि ओ बी जो ये लेंथ है हमारा, मैं इसको मान लेता हूँ एक्स मीटर, ये एक्स मीटर का है हमारा, हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर। तो देखो क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ ए बी ओ, ये एक ट्रायंगल लेता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए ओ बी 90 डिग्री एट बी, बी पर क्या है 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा हमारा 10 30, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी बाय ओ बी। चलिए 10 30 का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है हमारा 1/√3, तो लिख दिया 1/√3 इज इक्वल टू ए बी है हम लोगों ने एच माना है तो उसको एच लिख दिया, और ओ बी को मैंने एक्स माना है तो यहाँ से एक्स लिख दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा कि √3h, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलो अब एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं डी ओ बी, ये ट्रायंगल लेते हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, इसमें एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल डी ओ बी, ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसमें मैं 10 60 लेता हूँ तो 60 डिग्री बन रहा है, तो 10 60 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या कि ए बी, मतलब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डी बी, ये पूरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि डी बी हो गया हमारा बी डी, तो बी डी जो है वो हो गया परपेंडिकुलर, अब बाय बेस, बेस हो गया हमारा ओ बी, तो लिख दिया ओ बी। ठीक है, चलो अब क्या हो गया, 10 60 का वैल्यू पुट करते हैं, तो 10 60 का वैल्यू क्या होता है हमारा, तो होता है √3, तो चलो √3 यहाँ पुट कर दिया मैंने। बी डी, बी डी बोला तो ये पूरा लेंथ, ये पूरा लेंथ कितना होगा, तो ये लेंथ है हमारा एच और प्लस ये हो जाएगा 5, तो यानी कि बी डी जो है हमारा वो हो जाएगा क्या एच प्लस 5, एच प्लस 5 ये हो गया हमारा बी डी बाय ओ बी, ओ बी को मैंने एक्स माना था तो इसको एक्स ही रहने देते हैं, और यहाँ से फिर से मैं एक्स का वैल्यू निकाल लेता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो चलो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, यानी कि एक्स √3 और √3x लिख दो, बात एक ही है, √3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एच प्लस 5, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा h प्लस 5 बाय √3, ये आ गया x का वैल्यू, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। तो देखो तो यहाँ भी इक्वेशन 1,
एक्स का इजल इतना, यहाँ भी इक्वेशन टू में एक्स इजल इतना, तो फ्रॉम वन एंड टू से क्या हो जाएगा हमारा, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो यानी कि ये हो जाएगा रूट थ्री एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एच प्लस फाइव, ठीक है। चलिए बाय रूट थ्री है तो बाय रूट थ्री कर दो, ठीक है। अब इस रूट थ्री को मैं इधर अगर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा हमारा रूट थ्री इंटू रूट थ्री यानी कि थ्री हो जाएगा, है ना। तो चलिए यानी कि थ्री एच इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एच प्लस फाइव, इस एच को इधर भेज दो माइनस में आएगा, है ना। तो चलो ये हो जाएगा हमारा, तो ये थ्री एच में से एक एच माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा टू एच, तो टू एच इज इक्वल टू हो गया फाइव, और यहाँ से h का जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 5 बाई टू यानी कि 2.5, यानी कि यहाँ से जो h का वैल्यू आ गया वो आ गया हमारा 2.5 मीटर, यानी कि ये जो हाइट होगा हमारा ये हाइट कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमको 2.5 मीटर आ गया यहाँ से h इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर। तो उसका लिख दो आप कि हैंस यहाँ पर कि हैंस द हाइट ऑफ टार इज 2.5 मीटर। तो चलो यहाँ से मुझे हाइट आ गया। अब जो है स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर 11 करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।